हाँ पीर पीरा, उसका बता सकते हैं किस वजह से फेमस है ये? जी इकराम की वजह से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हर साल साल दोस्त बैसाख मनाई जाती है? बैसाख के मौके पर हर साल यहाँ उर्स मुबारक मनाया जाता है। जी जी जी। और क्या साहब है लंगर खाने का, मतलब किस लोगों की तरफ से ये लंगर हुआ करता है यहाँ? अच्छा, लोगों की तरफ से? लोगों की तरफ से हुआ करता है। भाई ठीक हो? से ठीक है। और भाई उर्स है ना, आज दो बैसाख भी आ चुका है ना। और भाई क्या कहना चाहोगे उर्स के मौके पे? कितने व्यूज जाने चाहिए? तो दोस्तों आज का जो हमने व्लॉग बनाया इसमें 1 मिलियन व्यूज जाने। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे भाई, देख सकते हैं देसी लंगरी में कैसे कुट रहे हैं, देख सकते हैं आप। भाई ये टेक्निक आपने कहाँ से सीखी? पीर पेरा ज़ियारत के लिए आप क्या कहना चाहते हो, आज आए हो इधर पुल्स में? अच्छा अच्छा, ठीक हो? ठीक हो सर, ठीक है। अच्छा आज उर्स है ना? अच्छा, और सब ठीक है ना? अच्छा, क्या लगता है कि बारिश की वजह से बंदे इतने आ रहे हैं? अच्छा, थोड़ा बता सकते हैं कि पीरपेरा किस वजह से मशहूर है? तो दोस्तों ये अब भाई हमें कुछ बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये इधर रहते हैं। इनिशियली हमें बोला कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। देख सकते हैं गाइस, चावल बन रहे हैं, लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी दोस्त मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह के करम फसल से आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पीरपेरा उर्स में, यानी आया है दो बैसाख, जिसको हम अपनी बोली में तो बैसाख बोलते हैं। वैसे तो अभी आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना ही चल रहा है, तो आज दो बैसाख भाई, तो आज है पीरपेरा उर्स। तो हम जा रहे हैं उर्स में, तो हो रही हमारे फ्रेंड आ रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं उर्स में। अभी माशाल्लाह छोटी छोटी बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं बूंदाबांदी इसकी बोलते हैं, वो भी हो रही है। तो अब हम जा रहे हैं उर्स शरीफ में, अभी घर से तैयार व्यार होकर निकले हैं। तो मेरे साथ है मेरा कज़न, ये देख सकते हैं आप, कज़न है ये थोड़ा शर्मा रहा है। तो अब जा रहे हैं हम, और भी आ रहे हैं दो तीन बंदे। तो अब जा रहे हैं हम उर्स में, थोड़ा सा हम जाते टाइम आपको वो व्यू पूरा दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं, मिलते हैं उर्स में, हम पूरा जो जो बंदे आएंगे पूरा मिलाएंगे, हम आपको पूरा सिस्टम दिखाते रहेंगे जो कुछ होगा। तो आज के ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर करके बताना कितने बंदे आएंगे, हम पूरा आपको बताएंगे व्यू। तो फिलहाल चलते हैं आगे जाकर, मिलेंगे आगे जाकर। तो गाइज अभी हम पीरपेरा मेन ज़ायर पे पहुँचे नहीं, बट इधर से हम चल के हैं, ये रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल रास्ता, और बहुत ही मतलब सांस फूल गई है। देख सकते हैं दोस्तों इस जगह का नाम नाला, उससे चटेड़ी, उस साइड चटेड़ी आ गई। तो हम थोड़ा दिखाते हैं आगे का व्यू, हम चढ़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों, हालत ख़राब होगी दोस्तों, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, तो दूसरा ना ये देख सकते हैं कितने बंदे जा रहे हैं आप। तो दोस्तों हालत ख़राब हो गई है, एक तो बारिश है दोस्तों, दूसरी सांस फूल गई आप देख सकते हैं। और क्या आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों, इधर नीचे आगे नाला, यहाँ हमारे सैयद रहते हैं सैयद। तो थोड़े से निकलते हैं, अभी हम पीरपेरा के इलाके में एंटर हो चुके हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, उधर सामने आ गए पार नडियाला बगला, क्योंकि अभी बारिश अभी कुछ मिल रहा नहीं होगा, धुंध पड़ी हुई है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे करके आपको पीरपेरे का इलाका दिखाता हूँ, इधर घर वगैरह दिखाता हूँ, तो फिर हम अपना व्लॉग उससे आगे शूट करेंगे। तो दोस्तों चेक करें व्यू यार, दोस्तों ये घर आ गए ऊपर, ज़्यादा ऊपर अभी देख सकते हैं बारिश ज़्यादा हो चुकी है। अब हम ज़्यादा पे जाकर मिलते हैं, बिकॉज मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, पानी पड़ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम अभी ज़्यादा पे पहुँचे नहीं, बट उससे नीचे एक आम का पेड़ है, वहाँ पहुँचे हम, बहुत बड़ा आम का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हमारे बंदे वो लगा रहे हैं, अभी सांस ले रहे हैं क्योंकि थके हैं, बारिश भी हो रही है। कुछ हमारे भाई आ रहा है, देख सकते हैं आप, भाई थके हो? अच्छा जी। तो दोस्तों थोड़ा भाई आगे पीछे हम व्यू दिखाते हैं आपको, फिर ज़ियारत पर जाएंगे, उधर से हम ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से माहौल देखो यार, बारिश में माहौल जो अच्छा हो गया, बट फिर भी यार क्योंकि दोस्तों आज उर्स थी, दूर दूर से लोग आने लगे थे, बट यार बारिश की वजह से कुछ नहीं आ पाएंगे दोस्तों। तो सामने रिछवा है पार, उधर दिख रहा होगा, अभी तो ये एकदम धुंध छाई हुई है, जो विंड छाई हुई है देख सकते हैं आप। अभी हमारे कुछ भाई लोग इधर बैठे हैं, भाई चलो चलते हैं हम ज़ियारत पे। ये दोस्तों आम का पेड़ है, बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है, इधर ऊपर मस्जिद शरीफ है, आपको मस्जिद मिलती होगी। अब हम जाते हैं ज़ियारत की तरफ दोस्तों, बंदे मुझे लगता है आए हुए, इधर दिखा सकते हैं, इधर गा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये दिखा सकते हैं, ये आम का पेड़ है दोस्तों, बहुत ही बड़ा पेड़ है, ना जाने बहुत ही आम होते इधर। ये मस्जिद शरीफ है, पीरपेरा मस्जिद जो है, अब ज़ियारत पे जाते हैं,
इसे लंगर खाना है, उधर ख़त्म बांटे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको दिखा सकते हैं मेन लंगर, भाई देख सकते हैं मेन लंगर, अभी यारहवीं शरीफ पकी है, उस पर दवा की है, वो खाई लोगों ने, तो लोग इधर हम दिखा सकते हैं आगे पीछे खड़े हैं। हम इनसे पूछेंगे भाई, बातचीत करेंगे भाई इनसे, हमारे दूर दूर से बहुत बंदे आए हुए हैं। भाई जान अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? से ठीक है, ये हमारे राशिद भाई हैं। भाई जान क्या मतलब पीर पेरा ज़ियारत के लिए आप क्या कहना चाहते हो, आज आए हो इधर कुल्स में? अच्छा अच्छा, जी लास्ट 3 साल से यहाँ पे जो है उस रमजान के मंथ में आ रखा है, 3 साल बाद वापस रमजान के बाद में आया जी भाई, लोग आएंगे अभी 2 बजे दबाव होगी। ठीक है भाई, और सब बढ़िया भाई? सब बढ़िया। तो अब हम दिखा सकते हैं, ये हमारे भाई में, ये भी उर्स, अभी उर्स में आए हुए हो? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं ये बता सकते हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं दोस्तों बहुत बहुत दूर से बंदे हैं अग्रासी से। अब थोड़ा हम इधर आगे का आपको व्यू दिखाते हैं भाई, इधर देख सकते हैं आप कितने लोग वगैरह खड़े हुए हैं, लोग हंस रहे हैं पता नहीं किस वजह से, देख सकते हैं हम थोड़ा पास से आपको व्यू दिखाते हैं भाई, देख सकते हैं भाई कुछ खा रहे हैं यारहवीं शरीफ, देख सकते हैं ये पीरोड़ भी खा रहे हैं यारहवीं शरीफ, हम दिखा सकते हैं थोड़ा लंगर की तरफ ले जाते हैं, उधर थोड़ा व्यू दिखाते हैं, उसका व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम थोड़ा सा इधर आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, सबसे पहले हम तो इधर दिखाएंगे आशी भाई, आशी भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो? से ठीक है, और भाई आई उर्स है ना, आज 2 बैसाख भी आ चुका है ना, और भाई क्या कहना चाहोगे उर्स के मौके पे? रमजान में था थोड़ा लोग कम थे, तो बारिश है लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा होंगे। जी जी, आपका शुक्रिया जो आप इसको दिखा रहे हो लोगों तक आज भाई, कोई बात नहीं आज भाई, बारिश है लेकिन बारिश की वजह से माशाल्लाह मैंने देखे कि लोग बहुत ही ज्यादा आए हुए हैं, जुड़ बना के खड़े। हाँ, तो इधर होता था ज़्यादा, अभी फिलहाल मस्जिद में हमने बिठाया हुआ है। अच्छा अच्छा, मस्जिद सिस्टम रखा हुआ है, थोड़ी कमी थी हमारे पास, बंदे दूर दूर से आ रखे हैं, देख सकते हैं हमारे भाई दूर दूर से आ रहे हैं, सामान वगैरह ला रहे हैं, देख सकते हैं आप, हम इनको देख ही सकते हैं, इधर लंगर खाना भाई, इधर चावल वगैरह जो भी नियाज का सिस्टम बन रहा है, थोड़ा सा आगे भाई इन भाई, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? ठीक हो सर, ठीक है। अच्छा आज उर्स है ना? अच्छा, तो और सब ठीक है ना? अच्छा, क्या लगता है कि बारिश की वजह से बंदे इतने आ रहे हैं? अच्छा, थोड़ा बता सकते हैं कि पीर पीरा किस वजह से मशहूर है? अच्छा, आपसे पहली है उर्स? माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी पैदाइश से पहले। अच्छा माशाल्लाह, थोड़ा हम इधर आगे दिखाते हैं, हमारे भाई साहब है सुबह का काम कर रहे हैं, देख सकते भाई साहब क्या हाल है? भाई हमने कभी बर्तन नहीं देखे। अच्छा, हम धो रहे हैं बर्तन। अच्छा भाई, तो बर्तन देखे ना होंगे? नहीं भाई, हम देखे हुए हैं, ज़ारत का काम है, लोग खुशी से करते हैं जैसे ये लड़के कर रहे हैं। बेशक बेशक यार, यार मतलब हर किसी का फर्ज है, ये नहीं कि आपने घर धो रहे हो, ये ज़ारत का काम है। माशाल्लाह भाई, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम करे, खुदा आपकी उम्र में बरकत करे। तो थोड़ा हम इधर नीचे दिखाते हैं भाई, इधर मीट वगैरह काट रहे हैं, हाँ पास तो जाएंगे नहीं, बट थोड़ा सा व्यू करके दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं भाई, इधर मीट काट रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों उधर मुर्गी वगैरह साफ कर रहे हैं। तो हमारा जो ये धूमधाम का ज़ियारत का सिस्टम है, न्याज वगैरह का, ये धूमधाम से चल रहा है, देख सकते हैं हमारे जहीद भाई भी आ गए। जहीद भाई क्या हाल है? ठीक हो से? ठीक है, और सब बढ़िया? आयूर से है ना? जी जी। अच्छा भाई हैं जिन्होंने ये पानी का इंतजाम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, खुदा उम्र में बरकत करे यार, जो हमेशा 2-3 दिन से लगे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस देख सकते हैं हम इधर आपको बंदे दिखाते हैं आगे पीछे, देख सकते हैं इधर लंगर खाना अभी आग जलाई हुई है, देख सकते हैं, देख सकते हैं इधर हमारे बहुत दूर दूर से बंदे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी हमने खा लिए मीठे चावल, मीठे चावल बने हुए वो खा लिए, आप देख सकते हैं अभी इधर अब तैयार हो रहा है, जो मेन दबाव वो तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं आगे पीछे का व्यू, लोग देख सकते हैं, हम थोड़ा आगे पीछे का व्यू दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं आप भाई, आज हमें पीर पेरा उस पर थोड़ा मैं आगे पीछे का यहाँ से आपको आगे पीछे का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इलाका पीर पेरा का भाई, ये इलाका इधर भी पीर पेरा है, इस साइड पूरा पीर पेरा, इधर गाँव भी, आगे भी गाँव है, इधर भी देख सकते हैं दोस्तों इधर गाँव है, ये दोस्तों इधर लंगर शरीफ लगा हुआ है, देख सकते उधर भी ज़ियारत है, उधर फिलहाल अब बारिश की वजह से जो मतलब ख़त्म शरीफ है जो मस्जिद में ही पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर लंगर खाना है, इधर वगैरह जो जो सामान आ रही है, हमारे भाई लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, इनको आप दिखा ही सकते हैं, हम थोड़ा देख सकते हैं गाइस। फिलहाल हम चलते हैं इधर नीचे, तो नीचे दिखाते हैं हम जो जो बंदा आएगा, अभी हम ज़ियारत के अंदर चलते हैं, ज़ियारत के अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों हम दिखा सकते हैं आपको, ये हमारे भाई शाहिद भाई दराल से आए हुए हैं, शाहिद भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर आज? यहाँ से मुझे लग रहा है कि लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। अच्छा, बारिश यहाँ पे हमारा मजा ले रही है। अच्छा, धन्य हो गए भाई, उधर बंदे बंदे हो गए, तो कुछ लोग इधर बारिश की वजह से इधर शेड में आए थे रुकने के लिए, देख सकते दोस्तों ये स्कूल है इधर दोस्तों, प्राइमरी स्कूल जो पीर पेरा, देख सकते हैं आप आगे पीछे का व्यू। और भाई क्या बोलना चाहते हो आप? हम कुछ नहीं कहना, हमारे लिए क्या बोलने जाते हो आप? के लिए यही कहना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया हो रहा है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। जी भाई, तो हम तो यही कहते हैं सबसे कि भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू भाई यार, आपकी भाई
आपकी दुआ होनी चाहिए यार, और कुछ नहीं, सपोर्ट फुटबॉल खुद मिल जाएगी, बस दुआ होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास छाता भी कुछ नहीं है भाई, लोग घर से छाता लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल आगे पीछे का व्यू दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ भी कब्रिस्तान है, एक उधर भी नीचे कब्रिस्तान है, इधर भी एक कब्र है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। शाहिद भाई क्या लगता है, ये वली की कब्र है, आपको क्या लगता है? अच्छा ये ऐसे बंदों की कब्र है दोस्तों, हम दिखा सकते हैं आपको, पेड़ वगैरह लगे हुए हम देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों। अब मौसम साफ हो चुका है बिकॉज ना बारिश रुक चुकी है, अब देख सकते हैं कितने दूर दूर से बंदे आए हैं, हमारे अंकल आ गए हैं। अंकल जी ठीक हो? अच्छा उर्स में आए हो? अच्छा देख सकते हैं हमारे अंकल भी उर्स में आए हैं, देख सकते हैं अंकल जी चिटेड़ी से आए हैं उर्स में, देख सकते हैं आप दोस्तों। इधर भी एक आम का पेड़ है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। भाई इधर रहते हो भाई? इधर उर्स है, मतलब पीरपेरा किस वजह से ये नाम मशहूर है भाई, ये बता सकते हैं थोड़ा सा आप? अच्छा मतलब ज़ायर शरीफ किस वली की है, ये वली का आप नाम बता सकते हैं भाई हमें, जैसे मतलब फेमस है ज़ियारत? अच्छा ताऊ जी को पता है दोस्तों। आप जानते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो ये जनरेशन है, जनरेशन को कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर घर देख सकते हैं, यहाँ का रहते हुए फिर भी मतलब इतना थोड़ा सा भी नहीं मालूम, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम पीरपेरा, देख सकते हैं दोस्तों आपको व्यू नज़र आता होगा ज़ियारत पे, देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हम इतना आपको बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ से बंदे आए हैं। रिछवा से आए हुए बंदे दिखा सकता हूँ आपको, रिछवा टॉप से बंदे आए हुए हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा आगे पीछे का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से आगे नीचे का इलाका दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये अब भाई हमें कुछ बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये इधर रहते हैं, इनिशियली हमें बोला कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊँगा जो हमारे आपके देखने वाले भी देखेंगे, तो हम भी चलो दिखाते हैं आपको भी। तो फिलहाल चलते हैं हम उधर, तो दिखाएंगे आपको पूरा व्यू, तो हम चलते हैं फिर नीचे। तो ये भाई हमें सबसे पहली चीज़ दिखाएंगे, भाई आप क्या बताना चाहते हो यहाँ पे? बताना चाहते हैं जब हमारे वली और यहाँ पे आए थे तो इस जगह पे उतरे थे जी, तो इस जगह पे जब घोड़े का पांव लगा हुआ है, हाँ ये उनकी आशा लगा हुआ है, यानी खुंडी लगा हुआ, खुंडा लगा हुआ है दोस्तों। जब हमारे वली इधर उतरे थे, जब मतलब घोड़े से उतरे थे, तो उधर घोड़े का पाँव दिखा सकते हैं भाई, ये घोड़े का पाँव, तो ये उनका आशा लगा था, मतलब खुंडी जिसको बोलते हैं, खुंडी का स्टेट लगा नीचे, ये घोड़े का पाँव है, ये खुंडी का स्टेट। तो देख सकते हैं इसको मतलब थोड़ा सा क्लोज करके रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा हम इधर से दिखाते हैं भाई। यहाँ पे जब बली उतरे थे तो इनका सबसे पहले यहाँ पे उतरे थे, घोड़े का पाँव भी लगा हुआ है और खुंडी का जो लगा हुआ निशान लगा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए जगह को क्लोज करके रखा हुआ है भाई। भाई आपने कभी देखा ये चीज़ पहले? कब देखा तूने? अच्छा तो अब हमें नेक्स्ट चीज़ भाई बताएंगे, भाई भी चलेंगे बात करने के लिए। कितने व्यूज जाने चाहिए? तो दोस्तों आज का जो हमने व्लॉग बनाया इसमें 1 मिलियन व्यूज जाने चाहिए, ये छोटे भाइयों का, इन्होंने बोला कि 1 मिलियन व्यूज जाने चाहिए, तो पक्का 1 मिलियन व्यूज जाने चाहिए आज। ठीक है भाई, इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है भाई, सपोर्ट करते रहो, ठीक है जरूर जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे भाई, देख सकते हैं देसी लंगरी में कैसे घुट रहे हैं, देख सकते हैं आप भाई। ये टेक्निक आपने कहाँ से सीखी? YouTube। अच्छा YouTube से? आओ YouTube नहीं यार, लड़के बाहर रहते हैं रूम में। अच्छा देसी जुगाड़ है, देखो गाइस यार हमारी ये लंगरी देख सकते हैं, बिना लंगरी के देख सकते क्या हालत होगी इसकी, हमें टप रखे हुए देख सकते बन रही, जो खाना तैयार हो रहा है चावल। अच्छा भाई पुलाव बन रहा है ना? अच्छा पहले यारवीं थी, यारवीं खत्म हो चुकी है? हाँ वो लोग आते हैं ना सुबह सुबह जी, वो लोग सुबह सुबह यारवीं देते हैं। अच्छा अच्छा बाद में बनता है। अच्छा अच्छा अभी तो स्टार्ट हुआ, उधर हम दिखा से उधर मुर्गे भाई काट रहे हैं, आप देख सकते हैं मुर्गी काट करके मीट काटा जा रहा है, देख सकते हैं मीट भी है, बकरा भी देख सकते हैं आप, लंगर लगा हुआ, लोग अभी ख़त्म पड़ रहे हैं मस्जिद में अंदर, देख सकते हैं मस्जिद लोग कुछ आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। गाइस चावल बन रहे हैं, भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं भाई 3-3 बंदे टप टप रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ भाई हेल्पर रहे हैं भाई। हाँ ये व्लॉग ही भाई व्लॉग ही है, मीट रखा हुआ है देख सकते हैं, इधर टप रखे हुए चावल बन दोस्तों, इधर से आपको दिखा सकते हैं ये कब्रिस्तान दोस्तों, वली की कब्र दोस्तों उस कोठी के अंदर है,
ये कोठी मिलती होगी, इसके अंदर वली की कब्र है, जिस वली जो इस वली के सदके में ये ज़ियारत बनी, ये पीर पीरा नाम पड़ा। तो अभी इधर लोग कुछ इधर लोगों के घर मतलब घर उनकी कब्रें वगैरह इधर ही कब्रिस्तान वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। अभी मस्जिद का मतलब लगा हुआ देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं कुछ खाना खा रहे हैं हम देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी हम आए वली की कब्र के अंदर जो यहाँ पे वली की कब्र है देख सकते हैं दोस्तों। इधर अभी झाड़ू लगा रहे हैं अंकल। तो ये दोस्तों वली की कब्र, यहाँ कोई भी अगर मन मांगे मन्नत पूरी होती है चला। ये वली की कब्र दोस्तों जिसके सदके में पीर पीर है ज़ियारत बनी देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारे अंकल ने झाड़ू लगा रहे हैं, अंकल झाड़ू लगा रहे हो जी जी। अच्छा अच्छा देख सकते हैं दोस्तों, हम बाहर से दिखाता हूँ दोस्तों इस कोठी के अंदर ये वली की कब्र देख सकते हैं दोस्तों। तो गाइस देख सकते हैं हम अभी भी लोग बहुत आ चुके हैं, देख सकते हैं लड़कियां भी आ चुकी हैं, एक गल लड़कियां भी आ चुकी हैं भाई, लड़के भी आ चुके हैं, सब भी आ चुके हैं, देख सकते हैं अपने बंदे भाई देख सकते हैं दोस्तों कुछ लड़कियां भी देख सकते हैं मस्जिद में अभी नमाज पढ़ के अभी मतलब नाच बोल रहे हैं आप देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी मस्जिद में जो प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है दुआ भी हुई नहीं, बट लोग मस्जिद में जो पढ़ रहे हैं खत्म वगैरह जो खत्म शरीफ पढ़ रहे हैं देख सकते हैं। कुछ भाई इधर बाहर फिर रहे हैं भाई आगे पीछे ऐसे फालतू में देख सकते हैं आप, दिखा सकते हैं हम आपको। हाँ हमारे शफीक भाई आए हुए इधर देख सकते हैं आप, बहुत दूर दूर से बंदे आए हुए हैं। तो हमारे दो बसाक लगे, हमारे एक बंदा है अभी कंबल भी लेटा हो भाई। आप क्या जानते हो, आपको ठंड लग रही है क्या भाई? बहुत ज़्यादा ठंड, वो कैसे भाई? कमज़ोर बंदे भाई तभी है ना। अच्छा अच्छा भाई ने भाई अभी बुजुर्ग है, अभी भाई ने शादी भी नहीं की, फिर बुजुर्ग हो गया भाई ने। कोई नहीं वो ये देख सकते भाई। और गाइस क्या हाल है, ठीक है? और भाई क्या हाल है, देख सकते हैं दोस्तों हम आपको थोड़ा लोग दिखा सकते हैं, पीछे का व्यू देख सकते हैं लोग लकड़ी के ऊपर दूर दूर से चढ़े, मुझे मिल रहा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये पीरपीरा ज़ियारत भाई देख सकते हैं, इधर लोग आए हैं उधर ऊपर भी, उस साइड नीचे भी हैं देख सकते हैं आप। ये भाई लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं, हमारे इरफान भाई अभी भी इरफान भाई पहुँचे हैं देख सकते हैं। इरफान भाई आ गए हो देख सकते हैं, इधर आगे पीछे लोग हैं, ये लोग देखो भाई लोग कुछ आ रहे हैं देख सकते हैं, मैक्सिमम बंदे आ ही रहे हैं आप देख सकते हैं। चेक करिए। तो दोस्तों फाइनली दुआ हो चुकी है, अब देख सकते हैं अब लोग आ रहे हैं लंगर की तरफ खाने के लिए। इधर गर्ल्स बैठी हुई हैं, अब देख सकते हैं इधर आप व्यू देखें भाई, इधर कुछ भाई पीछे इधर खड़े हुए हैं देख सकते हैं आप, इधर देखें आप। अगर दुआ करके लोग आ चुके हैं आगे पीछे भाई, आप खाने का सही टाइम आ गया, आप खाएंगे अंदर मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, मस्जिद से बाहर आ रहे हैं देख सकते हैं। हमारे भाई लोग इधर गप्पे मार रहे हैं आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारे शाह सबको देख सकते हैं दोस्तों। अभी बंदे जो मतलब अभी खाने की तलाश में अभी देख रहे हैं भाई, क्योंकि खाना पक चुका है, दुआ हो चुकी है, आप देख सकते हैं इधर। हाँ सारे खाने की ताड़ में लगे हुए हैं, ताड़ में बैठा हुआ है ना, रोटी ताड़ में देख सकते हैं दोस्तों, सारा रोटी ताड़ में लगा हुआ है देख सकते हैं आप। पता नहीं मिला अभी खाना नहीं खाया आपने, आपने खाया खाना तो आपने खाया नहीं? हमने खा दिया भैया बहुत अच्छी से तरह। अच्छा क्या अभी क्या क्या खाया आपने? अभी खजूर खाई है। हमारे मौलाना साहब को चेक कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? आई उर्स में आए हुए हो? जी हाँ। अच्छा हाँ पीर पीरा उर्स का बता सकते हैं किस वजह से फेमस है ये? जी इकराम की वजह से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हर साल दोस्त बैसाख मनाई जाती है उर्स यहाँ के मौके पर, हर साल यहाँ उर्स मुबारक मनाया जाता है। जी जी जी। और क्या साहब है लंगर खाने का मतलब किस लोगों की तरफ से ये लंगर हुआ करता है यहाँ? अच्छा लोगों की तरफ से हुआ, लोगों की तरफ से हुआ करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी खुशी से यहाँ हर चीज चढ़ाते हैं जी, मुरादी पा कर जाते हैं जी। ये हमारी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है जी, इस पर हम इंशाल्लाह कायम और दायम। बिल्कुल बिल्कुल। हम अलैना इल्ल फला माशाल्लाह। हमारे मुस्तफा साहब की क़यादत में अभी ये काम हो रहा है। को मेहनत कर कोई ना फल तो आना है कहानी खल्ला बोल यहाँ पे लग गया यहाँ पे। आप बहुत चिट्टे लग रहे हो। थैंक यू दोस्तों, आप खिला रहे खाना देख सकते हैं आप। मुस्तफा साहब क्या बोलना चाहते हो?
क्या बोलना चाहते हो आज के लिए? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्लॉग को। बस भाई आपके सपोर्ट चाहिए। नंदा एक मिनट रुक, उधर भी खिलाओ नंदा। हमारे जय साहब है, जय साहब की क्यादत में आज हमें ये पीर पीरा उड़स हो रही है। गाइस देख सकते हैं प्लेटें कैसे लेके भाग रहे हैं बंदे, देख सकते हैं आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप खाना दे रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने आंखों के सामने। तो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया, हमने खाया बिल्कुल पेट भर के खाया ना, खाली दोस्तों फाइनली खा लिया। हम थोड़ा आगे पीछे कम व्यू दिखाते हैं आपको, लोग अपने मैक्सिमम लोग चले गए घर बिकॉज उन्होंने खा लिया है तभी चले गए, मैं थोड़ा आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं छोटे छोटे नन्ने मुन्ने चुने बड़े मोटे सब छोटे निके अब घर जा रहे हैं, देख सकते हैं अभी लड़कियां खाना खा रही हैं, आप देख सकते हैं लोग जो बड़े मतलब बंदे हैं वो मैक्सिमम जो मतलब मेरे से बड़े हैं मैक्सिमम खाकर चला गए घर, देख सकते हैं दोस्तों अभी उधर लंगर जो है जारी है खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं जा रहे हैं। बस फाइनली हमने चावल वगैरह खा लिए हैं और जो उर्सा ख़त्म हो चुकी है, अभी कुछ लोग जो इधर देख सकते हैं ले रहे हैं खाना। लाइक कमेंट शेयर करके बताना वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके बताना। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।